بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولأنة الله على آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على قبيه فلن يضر الله الشيء وسيجزي الله الشاكرين

अलसला वसलम के ख़िमत अक़दस में उनकी शहादत पर ताज़ियत पेश करते हैं जैसा कि आपके, आपके में है कि मौजूद गुफ्तगू शहादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमने जो शहादत का मौजू शुरू किया वो इस तरह से शुरू किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से दुश्मन चाहते थे कि कत्ल कर दें और इस मौजू को डिस्कस करने के बाद हमने अकबा का मौजू डिस्कस करना शुरू किया और हमारी इस वक्त जो गुफ्तु चल रही है वो चल रही है अकबा के बारे में कि जब आप तदबूक से वापस आ रहे थे तो आपने ऐलान फरमाया कि जितने लोग हैं वो आम रास्ते से जाएं और ख़ुद आप ख़तरनाक घाटी वाले रास्ते से गए आपके साथ हज़रत अमार थे और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाम थे और कुछ लोगों ने आपको कत्ल का इरादा किया और उन लोगों की तादाद बारह तेरह या चौदह या पंद्रह थी और इसी तरह से जब आपने मनादी फरमाई कोई पानी पीने ना जाए तो कुछ लोग पहले से पहुंच गए और उन पर आपने लानत फरमाई अब ये मुनाफ़ी कौन हैं तो ये तारीख़ किताबों में बयान हुआ और बाज दफ़ा इसे छुपाया गया तो हमारी गुफ्तगू चल रही है अकबा के बारे में और ये पूरा एक तसलसल है शहादत रसूल सल्ला वसलम का इनशाला इसके बाद और दीगर मौजूद को डिस्कस किया जाएगा यहाँ तक के शहादत रसूल सल वसलम और उनके बाद के हालात और वाक़ात तो इस वक्त हमारी गुफ्तु कानवान है अबू मूसा अशरी के क्या फरमाते थे हज़रत अमार उनके बारे में और क्या फरमाते थे हज़रत हुसैफ़ा उनके बारे में और ख़ुद मौला अमीरमिन उनके बारे में क्या फरमाते थे और क्या उनका ताल्लुक अकबा के लोगों से है या नहीं अब ये जहन में रखें कि इसमें एक भी हवाला किसी भी हमारी किताब से नहीं है बरदरान अहल सुन्नत की किताब से है और ये भी जहन में रखें कि इस मौजू को तफसील से डिस्कस करेंगे कि कुरान में आयात कसरत से हैं मुनाफिन के बारे में खसूस सुर मुनाफुन नाजिल हुआ और आखिर ज़माने के सुरों में से कि जो नाजिल हुआ वो था सूर तौबा और सूर तौबा में अल्लाह व तौर ने बहुत वाजात फरमाया वमिनक उमन आराब मुनाफ़िकुन वमिन अहलमदीत मरदालफाक़ इनके अलावा कसरत से आया थे जैसा कि तवज्जो दिलाई सवाल के पैदा होता है कि इतनी तवज्जो अल्लाह व ने दिलाई मुनाफिकीन के बारे में ये क्या हुआ कि रसूल अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के फौरन बाद ये नज़रिया दिया गया कि जिसने भी रसूल अल्लाह सल्ह वसलम को देखा व ईमान के बलंद तरीन मकाम पर फायज़ है बस ये जो कुरान में मुनाफी का जिक्र था ये सब कहाँ चले गए और दर हकीकत यह नज़रिया कुरान के नज़रिए की मुखालफत कर रहा है वो लोग जो रसूल अल्लाह सल्ला वसम की ज़िंदगी में मुनाफिक थे बिलाखिर कुछ तो थे लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि जिसने भी देखा वो सब के सब जो है इस मकाम पर फायज हो गए उस मकाम पर फायज हो गए जिसने भी एक दफ़ा देखा वो बलंद मकाम पर फायज हो गया तो बिलाखिर वो कहाँ गए तो ये जो हमारी गुफ्तु है इसमें सबसे पहले आपके सामने हवाला है सही मुस्लिम का तर्जुमा है वहीदुजमान साहब का और जल्द नंबर है छ और आपके सामने है हदीस नंबर 7037 और ये जनाब अबू तुफ़ैल तो से हुई और याद रखें जब भी किसी रिवायत को किसी मौजू को ख़राब करना होता है तो कह दिया जाता है कि यह राफजियो ने मशहूर कर दिया और इस हदीस के जो रावी हैं वो राफजी थे जनाब अबू तोफ़ैल ख हातम हैं यानी ये सबसे आखिरी हस्ती हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्ला वसलम को जिन्होंने देखा था इन परियत ख़त्म हो गई उस डेफिनेशन के मुताबिक कि जो देखने की वजह से है अलबत् यहाँ पे कहा जा सकता है कि हज़रत अबू तो वो थे कि जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था और सबसे आखिर तक वो जिंदा रहे आपका इंतकाल 100 सौ हिजरी से लेकर 110 तक हुआ इनके बारे में गफ्तू कर चुके हैं अब इन सहाबी को भी मौलान के दफ़ा की वजह से और मुनाफिकों को पहचानने की वजह से और बज दफ़ा ये तमाम हस्तियाँ इन लोगों के साथ एक सख्त रवैया रखते थे तो इनको भी कह दिया गया राफ़ी और गाली शिया और मुफरतनफ तश्यो किस को जनाब हज़रत अबू अबूतफैल को आमिर बिन वासला वास रजवानल्ला अब इनसे रवायत है अबू उतफैल से रवायत है कि अकबा के लोगों में से एक शख्स और हुजैफ़ा के दरमियान कुछ झगड़ा था जैसा लोगों में होता है वो बोला कि मैं तुमको खुदा की कसम देता हूँ कि असाब अकबा कितने थे लोगों ने कहा हुजैफा से लोगों ने हुजैफ़ा से कहा जब वो पूछता है तो बता दो इसको को यहाँ से आप दिक्कत करें कि सामने हमने हाईलाइट किया है पर्पल या नेवी ब्लू आपको नजर आ रहा होगा अरबात अशरा। यानी एक शख्स जिसका नाम नहीं लिया जा रहा कि वो कह रहा है उन्होंने कहा हमको खबर दी जाती थी कि रसूल अल्लाह से के वो तेरे सिवा चौदह आदमी हैं सवाल यह पैदा होता है कि ये आदमी कौन है कि जिसके नाम को यहां पर छुपा दिया और वहां पर जो है रिवायत में फकत कह दिया एक शख्स और हुजैफ़ा के दरम्या कान कान बे नहल तो इतनी बात वाजह है कि लोगों और जनाब हुजैफ़ा के नज़दीक और जब यह हंगामा हो रहा था बात हो रही थी बहस हो रही थी लोगों को पता था कि ये शख्स असाब अकबा में से है और वो एक तरह से शायद गुफ्तगू कर रहा था ये बताने के लिए कि मैं उनमें से हूँ या नहीं हूँ अपने आप को छुपाना चाह रहा था अब अगली जो हैरिंग है वो ग्रीन से है तो ये किससे है तो ये है जनाब हुजैफ़ा से فإن منهم فقد كان القوم خمسة अगर तू भी इनमें से है तो वो पंद्रह हैं यह जुमला कोई साधा जुमला नहीं है कि तुम भी उनमें से हो तो पंद्रह हैं। बाकी रवायत आपके सामने है और उसके बाद जो आखिरी मौजू आ रहा है वो वही है कि कुछ पानी लोग पीने के लिए पहले पहुंच गए और रसूल अलैहि वसल्लम ने मनादी फरमाई थी या सरवायत को पूरा पढ़ देते हैं अगर तू भी इनमें से है तो वो पंद्रह हैं और मैं कसमिया कहता हूँ कि इनमें से बारह तो खुदा रसूल के दुनिया और आख़रत में दुश्मन हैं यानी उनकी खबासतों के नतज अभी से लेके क़यामत उस वक्त से ले अब तक और अब से लेकर क़यामत तक चल रहे हैं ये वो आम मुनाफिक नहीं थे या वो मुनाफिक नहीं थे कि जिनके नाम ले दिए गए क्योंकि उनके नाम तो इतने मशहूर थे तो यहाँ छुपाने की ज़रूरत क्या है और बाकी तीनों ने यह उज़्र किया कि जब इनसे पूछा गया और मलामत की गई कि हमने तो रसूल अल्लाह के मनादी के अकबा के रास्ते नाओ की आवाज़ भी नहीं सुनी और ना इस कौम के इरादे की हम खबर रखते थे इस वक्त पैगम्बर ख़ुदा संगस्तान में थे फिर चले और फरमाया कि अगले पड़ाव थोड़ा पानी है तो मुझसे पहले कोई आदमी पानी पर ना जावे जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो कुछ मुनाफिक ब्रैकेट में कुछ लोग वहाँ पहुँच चुके थे आपने इन पर इस दिन लानत फरमाई अब ये लोग कौन हैं तो अब यहाँ पर आएं कि सही मुस्लिम में तो लफ्ज़ इन्होंने काला कह के भी इस रिवायत को कर दिया लेकिन बहुत वाजे नहीं किया कि ये कौन है अब आपके सामने है मुस्न्द अहमद इबन हम्बल की जल्द नंबर थर्टी एट और सफ़ा नंबर है थ्री फोर टू तो यहाँ पर आप देखें और एक मौजू को हमेशा जहन में रखें कि जो अन करीब आने वाला है कि यहाँ पर हमने पहला हाईलाइट किया है इब्ने जुमे और इब्ने जुमे वाली जो रवायात हैं वो सहय सिता में सही मानी जाती हैं बस इसको जहन में रखें इस मौजू को आइंदा हमें डिस्कस करना है अन अबी तुफैल तो के जिनका हमने ज़िक्र किया हदसन अबू तुफ़ैल तो अब यहाँ पर अगर आप देखें कि इन्होंने इसको रजुल कह दिया वहाँ पर कुन्ना नखबरों में कुछ भी नहीं है यहाँ पे इन्होंने रजुल कह दिया इसनाद हु कवियन शर्त मुस्लिम रजालह सक़ात रजाल शन अच्छा अब यहाँ पर अगली जो रिवायत है मुसनफ़ मुसनफ़ इबन अबी शैबा से और जल्द नंबर है ग्यारह और सफ़ा नंबर है फ़ाइव वन एट तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने बहुत वाजे कर दिया है कि अरबी में वाजे कर दिया है फ़काल अबू मूसल अशारी नीचे अगर आप देखें तो हमने वाजे कर दिया है पस हज़रत अबू मूसा अशरी ने कहा तो रिवायत अब आपके सामने दोबारा बयान करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ माना ज़रा से बदल गए हज़रत अबू तफल से रिवायत है कि हज़रत हजाफ और अहले अखबा में से एक आदमी में से एक और आदमी के दरमियान कुछ तकरार सी थी तो उन्होंने पूछा मैं तुम्हें अब यहाँ पर देखें कि उस आदमी के बारे में ये उस उस नहीं कह रहे ये जो मुतरजम हैं इनको अंदाज़ा है कि ये कौन है यानी मौलाना मोहम्मद अवैस साहब जो हैं ये उस आदमी का नाम अहतराम से ले रहे हैं अब आप दिक्कत करें हज़रत अबू तफैल से रिवायत है कि हज़रत हुजैफ़ा और अहले अकबा में से एक और आदमी के दरमियान कुछ तकरार सी थी तो उन्होंने पूछा किसने पूछा हज़रत हुजैफ़ा ने नहीं पूछा उन्होंने पूछा किसने पूछा जिससे तकरार थी मैं तुम्हें की कसम देता हूं बताओ असाब अकबा की तादाद क्या थी इस पर लोगों ने कहा अब यानी ये बता नहीं रहे थे तुम इसको बता दो क्योंकि इसने तुमसे सवाल किया है बस हजरत अबू मूसा अशरी ने कहा तहकीक हमें तो ये खबर दी गई थी कि वो चौदह थे अब यहां पर देखें हजरत हुजैफा ने कहा और अगर आप इनमें होते तो वो पंद्रह होते इनका आप बता रहा है कि ये अब मसा शरीफ से मुखातब है कि अगर आप इनमें होते तो वो पंद्रह होते तो यहां पे पता चला कि उनके नाम को छुपाया जा रहा था और ये जो सही मुस्लिम की रिवायत है कि शख्स सवाल करने वाला कह रहा है और कमाल ये है कि हजरत हुफा कह रहे हैं कि अगर तुम उनमें से हो तो फिर पंद्रह हैं ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी हादसे के बाद किसी को केनायतन कहा जाता है कि अगर तुम उनमें से हो तो फिर पंद्रह हैं मुसन्नफी अहदी से आसार, तो इसमें भी यही वाला मौजू है कि जो आपके सामने है थ्री सेवन वन जीरो फोर में और सफा नंबर है फोर फोर फाइव कला अबू मूसल अशारी तो यहां पर नाम आ गया अब आपके सामने है जिल्द नंबर सानी और सफा नंबर है थ्री नाइन थ्री अलमश शकीक कल कन्नाज़ई फजुलूसन फ़दला अब्दुल्ल के कहते हैं कि हम बैठे थे हुज़ैफ़ा हुज़ै के साथ और दाखिल हुए अब्दुल्ला और अबू मूसा कहाँ पर दाखिल हुए अलमस्जिद फ़ा अहद हम मुनाफ़ तो जनाब हुफ़ा ने कहा कि इन दोनों में से एक मुनाफ़ है कल इन अशबहन्नास हद वन वसमतन बसूल्ला सल्ल वसलम अब्दुल्ला अब कह रहे हैं दो दाखिल हुए इनमें से एक के बारे में कह रहे हैं कि कौन कौन दाखिल हुए अब्दुल्ला दाखिल हुए तो ये अब्दुल्ला अब्बास है अब्दुल्ला मसूद हैं अब कह रहे हैं कि इनमें से एक जो है वो सूरत में सीरत में और अखलाक में और आदाब में रसूल अल्लाह जैसे हैं ये किसके बारे में कहा अब्दुल्ला के बारे में कहा नतीजा क्या हुआ जो दूसरा आदमी है उनके लिए जनाब हुजैफा कह रहे हैं कि ये मुनाफिक है अब यहां पर ग्रीन से हमने हाईलाइट कर दिया लाई बला शी यो बजून अबा री कौन ही अली कह रहे हैं कि शियों के गाली अब आप देखें कि इस केस को अपने इस्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने कह दिया शियों के गाली मुखालिफ है किसके अबू मूसा के क्योंकि वो हज़रत अली के साथ नहीं लड़े भाई शीयों के गाली आप क्यों कह रहे हैं ख़ुद हज़रत अली इनके मुखालिफ़ थे क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पर गवर्नर थे और ये जनाब उस्मान के दौर से थे इन्होंने इतना किया कि इनको नहीं हटाया लेकिन जैसे ही हजरत आयशा ने बसरा पर हमला किया और मौलान गए तो इन्होंने फौज की तरसील रोक दी और लोगों को बहकाने लगे कि अली के साथ जाके साथ न दो और जंग न करो जिस जिसपे ने, ने हटा दिया तो हमें आप क्या कह रहे हैं ये तो अगर आप चौथे खलीफा को नहीं मानते तो वाजहे कहें वो मुखालफत कर रहे थे उनकी इसके बारे में क्या है नीचे लिखा है रिजालहू सकात अब आपके सामने तारीख दमिश और तारीख दमिश की है जल्द नंबर सानी व सलासून और यहां एरो लगा हुआ है और सफा नंबर है नाइन्टी थ्री

कि अम्म मस्जिद में बैठे हुए थे और अबू मूसा आए तो हज़रत अम्मा ने अबू मूसा से कहा कि मेरा तुमसे क्या तल्लु कला अलसत अखा का तो अबू मूसा ने कहा क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ कला मै अदरी नहीं मुझे नहीं पता समय तो रसूल यल क्या लईलत जमल क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि वो तुम्हें ऊँट वाली रात ये ऊँट वाली रात क्या याद रखें ऊँट से दो चीज़ें मंसूब हैं एक है जंग जमल कि जिसपे हजरत आयशा उंट पर बैठ के आई थी और एक है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पे थे और उनको कत्ल करने की कोशिश की गई थी तो उसे कहा जाता है लैलतुल जमल तो आप फरमाते हैं समय तो रसूल सल का जमल मैंने वसल्लम को सुना कि वह तुम्हें ऊंट वाली रात लानत भेज रहे थे औला अब यहां पर अबू मूसा ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए इस्तार फरमाई किसने रसूल ने।, तो ने क्या दिया? मैंने से तुम्हारे लिए लानत तो सुनी है लेकिन मैंने उनको तुम्हारे लिए इस्तार करते हुए नहीं देखा अब आपके सामने यही वाला मौजू है किताब अलफ नंबर दो है और सफा नंबर है सेवन सेवन वन और वहाँ पर भी यही वाला मौजू है कि अहद हम मुनाफिक के आप मस्जिद में बैठे हुए थे जनाबा और, और एक दो लोग आए आपने फरमाया दो में से एक मुनाफिक है और जनाब अब्दुल्लाबन अब्बा से अब्दुल्ला ने मसूद के लिए कहा कि ये सबसे ज्यादा रसूल सल्लासम से सरत और सूरत में और आदाब में और अखलाक में शबाहत रखते हैं अब यहां पर अल्स्तियारफत में इबन अब्दुलबिर इनके बारे में गुफ्तू कर रहे हैं अभी कोई रिवायत नहीं है कि आप इसको ज़यीफ़ के गुजर जाएं ये इबन अब्दुलबिर के जो आपके मशहूर रिजाली हैं और इन्हीं के ऊपर अदीस का आपका डिपेंड है तो वह फरमाते हैं अबू मूसा के बारे में वह अन, अन हो अन हा के अली अलैहिस्सलाम ने इनको यानि अबू मूसा को कोफे की गवर्नरी से विलायत से हटा दिया था फ़ालम यवाज मिन हा अला अली यन। और उसी ज़माने से इनके दिल में अली के लिए कुछ था यानी बोख था सीधी सीधी बात हत् ज आ मा माँ खलाजैफ़ा यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया कि हुज़ैफ़ा को उनके बारे में कहना पड़ गया क्या कहना पड़ गया अब आप ये अंदाज़ा लगा लें फ़कत रोव या फी है लैफा कलाम उन तो होजैफा से कलाम नकल हुआ है किसके बारे में रिवायत हुई है अब मूसा के बारे में अब अगर यह ज़ीफ होती तो यह ना कहते इबन अब्दुल्भर कि एक कलाम नकल हुआ है वह कलाम क्या नकल हुआ है मुनाफिक लेकिन यहां पर आप यह क्या फरमाते हैं करह तो झिक्राहू मैं पसंद नहीं करता मुझे कराहत आती है उस बात को कहने से अब वो बात है इतनी बुरी कि इनको कराहत आ रही है और ये बुरी बात किसने कही है सहाबिया रसूल जनाब हज़रत हुजैफ़ा ने कही है वो अल्लाह यकफरू अल्लाह जो है वो उन्हें माफ़ करे किसको अबू मूसा को सुम्मा कला मैन अम्र ही यौम का ना फिर उसके बाद जो है वो जो भी अबू मूसा ने किया जंग सिफीन के बाद एज ए हकम वो क्या है तो बाद में आ जाएगा तो इबन बिर कहते हैं कि जो फिर उन्होंने किया वो तो यानी बहुत वाजह है कि हकम बन के उन्होंने क्या किया कि किस तरह से मौलान मोमिन के खिलाफ एक साजिश की अब एक और सफ़े पर सफ़ा नंबर वन सेवन सिक्स थ्री पर फरमाते हैं वलम मिल हूँ कि ये अबू मूसा जो है मुनहरफ थे अली से यानी उनके मुखालिफ थे क्योंकि उन्होंने अजल किया था कोफे की गवर्नरी से और बाद में उनको जो है कोई अहदा नहीं दिया था वह कान अल हजैफ़ा कबला तौल का फी है कलाम और हम बता चुके हैं कि हुफ़ा के बारे में जो है कुछ गुफ्तु है अब यहाँ पर आ जाए कंजुलमाल जल नंबर एक और सफ़ा नंबर टू हंड्रेड एंड सेवनटीन और एटीन में यहाँ पर एक मौजू है

और सफ़ा नंबर है वन सेवेंटी थ्री और यहाँ पर रवायत है बनी इसराइल बाहमी नज़ा व अख्तलाफ का शिकार हो गए फिर मुसलसल इसी अख्तिलाफ व इंतशार की हालत में थे कि आखिर उन्होंने इख्तलाफ को रफा करने के लिए अपने दो नुमाइंदों को हुक्म अपने दो नुमाइंदों को हकम व फैसल बनाकर भेजा मगर दोनों खुद भी गुमराही का शिकार हुए और दूसरे दूसरों को भी गुमराही का रास्ता दूसरों को भी गुमराही के रास्ते पर लगा दिया और यकीनन ये उम्मत भी अनकरीब करीब व इंतजार का शिकार हो जाएगी और ये बाहमी इख्तलाफ व निजा इसी तरह बरकरार होगा कि वो दो फैसल भेजेंगे लेकिन दोनों खुद भी गुमराह होंगे और अपने मुतबयी को भी गुमराह कर देंगे ये इशारा है किसकी जानब ये इशारा है जंग सिफीन में जब अबू अशरी और अमर आस ने मौला सलाम के खिलाफ यबल्फाज़ दीगर नफ्स रसूल के खिलाफ खलीफत रसूल के खिलाफ दामाद रसूल के खिलाफ सहाबी रसूल के खिलाफ अहलबैत सलाम में अफजल तरीन फर्द के खिलाफ साजिश की और उसके बाद ये अल्फाज क्या हैं कि ख़ुद भी गुमरा हुए और जो जो उनको मानेगा वो भी गुमराह होगा अलमस्तर को अलसही हैं और इसकी जल्द नंबर चार है शबीर ब्रदर्स की है और आपके सामने सफा है टू फोर्टी तो यहां पर अगर आप देखें तो बहुत वाजे है कि इन्होंने क्या किया तो वहाँ हमने वाजे कर दिया है वह हुआ अल्कूफा फ़ना नास अनक़ताल वो उस वक्त कोफे में थे और लोगों को जंग पे जाने से रोक रहे थे अब किसके खिलाफ जंग पे जाने से रोक रहे थे कोई आम बलवा नहीं था ये जंग थी चौथे खलीफा की अब अगर आप इतना शोर करते हैं खलीफा 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 और आप इतना शोर करते हैं कि सहाबी 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 तो सह मौला अली साहबी थे खलीफा थे खलीफा के खिलाफ जंग हो रही थी जंग करने वाले कतन राफजी थे जंग करने वाले कतन बागी थे जंग करने वाले कतन मुनाफिक थे आज अगर कहा जाता है खलीफा को ना माने काफिर है को मुखालफत करे काफिर है तो जो खलीफा को कतल करने के लिए आए वो क्या थे तो यहां पर बता देते हैं कि जब हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया और हजरत अली की बैत की गई तो अबू मूसा इस वक्त कोफे के गवर्नर थे आपने लोगों को खुतबा दिया और इसमें लोगों को कताल से मना किया और फितने में शरीक होने से रोका तो हजरत अली ने इनको कोफे की ज़िकारा से माजूल कर दिया और हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत हसन बिन अली को इनकी तरफ भेजा उन्होंने आकर हज़रत अब मूसा को माजूल कर दिया अब इसके बाद दोबारा यही मौजू है कि ये जहन में रहे कि इन्होंने क्यों रोका क्या ये रसूल अल्लाह अल्ला वसमी अरादाद में से नहीं थे क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुक्म दे चुके थे कि अली हक पे होंगे अली की मदद करना किस में जंग जमल में सिफी में नहरवान में अब जब सामने ये जंग हो चुकी है तो इन्होंने मदद क्यों नहीं की तो यहाँ पर वाज रिवायत है फोर सिक्स सेवन फोर में अमर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न तालिब ालिबाल नाकिसीन वलकासतिया वारकिन के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अब नबी तालबल सल्लम को नाक़ीन यानी बैत तोड़ने तो वालों यानी जमल अब ये ब्रैकेट में खुद तर्जुमा करने वाले जो साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि अहब जमल अ जमल कौन यानी हज़रत आयशा और उनके फ़ौजी को इनको कहा जा रहा है बैत तोड़ने वाले ये कौन लोग थे जिन्होंने चौथे खलीफा की बैत को तोड़ा कासतिन बगावत करने वाले यानी अहले सफीन ये कौन है शाम ये बागी हैं ये इन्होंने क्यों कहा बागी ये बिल्कुल वही चीज है क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा चुके थे या अमार तख्तुल्कफीतन बागी और उसके बाद दीन से निकल जाने वालों यानी खवारिज से जहाद करने वाले अब याद रखें कि खबारिज के लिए ज़्यादा शोर किया जाता है खबारिज का जुर्म यही है कि हज़रत अली से जंग की तो वो तो इन दो पहलों का भी है लेकिन आप देखें कितना टेक्निकल काम किया जाता है मोहब्बत अहल बैत को ज़ाहिर करने के लिए कि खबारज की मुखालफत की जाती है लेकिन वही जुर्म जो खवारज का दो पहले लोगों ने किया और याद रखें कि खवारज बने इन दो पहले वालों की वजह से उनको जो है कुछ नहीं कहा जाता और अहल बैत से एक मोहब्बत जाहिर करने के लिए इन दो को तो कुछ नहीं कहते खबारिज को कहकर इजहार मोहब्बत करते हैं जबकि खबारिज इन दो से इस एतबार से कम थे क्योंकि ये असहाब थे और ये थी इनको ज्यादा पता होना चाहिए था मौलान की फजीलत के बारे में इनको ज्यादा पता होना चाहिए था सहाबी की अहमियत के बारे में बेनिसबत इनके कि यह जो खबारिज बाद में आने वाले थे और यह भी याद रखें कि इन्होंने जंग की इब्तदा की तो खबारिज की नौबत आई तारीख़ तिबरी आपके सामने जल्द नंबर तीन है और सफा नंबर है टू फोर्टी फाइव और यहाँ पर याद रखें कि हमने कुछ चीज़ें कर दी हैं कि मामला यह हुआ कि जब अमर आस ने कुरान नज़े पे उठाए और जो उस अंदर मुनाफिकीन थे कि जिनमें से एक था अशस और ये बाप था ज़ादा बिनते अशस का यह बहनोई था जनाब हज़रत अबू बकर का अशस बिन कैसे किंदी इसी की बहन थी कि जो रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी और ये खुद काफ़िर हो गई थी और इसी के दो बेटे थे कि जो मौला इमाम हुसैन अल्लाम के कातिलों में से थे और ये ख़ुद जो है इमाम हुसैन अल्लाम के कातिल को पना देने वालों में से था और ये मौला मौलामौमिन की फ़ौज में था और ये जो हमारे बाज़ नादान कहते हैं कि लाहौर से जिनका ताल्लुक है कि इमाम हसन को बाद शीयों ने ऐसा किया तो वो अशअस वगैरह थे और उस जमाने में यानी ये फौज में थे इस वक्त भी मौला मोमिनीन की फौज में थे और इमाम हसन के जमाने में भी थे कि जो पक्के किस्म के न के फकत मुनाफिक बल्कि ये साथ में खारजी भी थे तो इन लोगों ने क्या किया अशस ने कहा और ये इन लोगों में से है जो बाद में खारजी बन गया था हजरत अली की बेबसी हजरत अली ने फरमाया तुमने पहली बात में तो मेरी नाफरमानी की लेकिन अब तो मेरी नाफरमानी ना करो मैं तो अबू मूसा को हाकिम बनाना नहीं चाहता यानी मौला मेर उमिन इसके फेवर में नहीं थे कि यह हकम बने इस पर अशस जैद बिन हसीन पाई और मसआर बिन फतेकी बोले हम इनके अलावा किसी का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं इन लोगों ने वहाँ पर काम खराब किया और उसके बाद जो है हजरत अली ने जवाब दिया मुझे इन पर कोई एतमाद नहीं दोबारा कहा उसके बाद क्या हुआ इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मेरी जानब से लोगों को बहकाया यानी मौला अमरमिन फरमाते हैं कि अबू मूसा ने मुझे छोड़ दिया था और मेरी जानब से लोगों को बहकाया था लेकिन ये अपने अब्बास मौजूद हैं हम इन्हें हाकिम बनाते हैं मौला मौलामिन चाहते थे कि अपने अब्बास को बनाया जाए लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो आपके हामी हैं फिर मौला आमिरमिन ने जनाब अशतर के बारे में कहा तो ज़ाहिर है उनकी भी मुखालफत की गई तो यहाँ पर हमने चीज़ें वाजे कर दी हैं लेकिन इस सफ़े को आप लोग कुछ देर रोकने के लिए इसका मुताल फरमा सकते हैं कि जो इस वक्त काफ़ी टाइम ले लेता लेकिन ये जो हमने चीज़ें हाईलाइट की हैं ये अहम है और बाकी चीज़ें इसके ज़मन में है अमर आस के बारे में इबन अब्बास की राय अब यहां पर इबिन अब्बास ने क्या किया कि जब ये लोग दोनों अमर आस और साथ में कौन अबू मूसा इनके बारे में अब, 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 अब अमर आस के बारे में जनाब अबू अब्दुल्ला इबिन अब्बास ने फरमा दिया था कि ये एक बड़ा फरेबी और दगाबाज कस्म का है कौन है ये सहाबी है लेकिन हजरत इबन अब्बास फरमा रहे हैं कि दगाबाज कस्म का आदमी है अगर आप दोनों एक अमर पर मुतफ हैं तो ऐलान के लिए अमर को आगे कीजिए ताकि वो पहले इसका ऐलान करे फिर बाद में तुम ऐलान करना क्योंकि अमर आस एक धोखेबाज शख्स है ये अपने अब्बास कह रहे हैं आपके आलम लिख रहे हैं और इसका तर्जुमा कर रहे हैं बस अमर आस को धोखेबाज एक सहाबी कह रहे हैं और धोखा उसने दिया क्यों कि अबू मूसा से कहा कि मैं माविया को हटाऊंगा तुम अली को हटाना जब अबू मूसा ने ऐलान कर दिया कि मैं अली को माजूल करता हूँ और माविया को भी माजूल करता हूँ तो अमर आस ने झूठ से काम लिया धोखे से काम लिया फ़रेब से काम लिया और कहा कि आपने सुन लिया जो अली की तरफ़ से हाकिम बने थे हकम बने थे उन्होंने अली को माज़ूल कर दिया है और अब मैं माविया को इस ओहदे पर यानि खिलाफत के उसमें मुन करता हूँ दोनों को माजूल कर दिया इसलिए मैंने अली और माविया दोनों को माजूल कर दिया इस काम में ख़ुद गौर कर लो और जिसे तुम इस खिलाफत का अहल समझो इसे खिलाफत सौंप दो ये कहकर अबू मूसा पीछे हट गए अब अमर आस ने क्या किया लेकिन मैं अपने साथी माविया को बरकरार करता हूँ जब ये फरेब देखा या ड्रामा देखा अबू मूसा ने क्योंकि अबू मूसा बाद में माविया के खास आदमियों में से हो गए थे तो मुमकिन नहीं था कि वो वाकन माविया को हटाने वालों में से होते और उनका बेटा भी अबू बुरदा भी खास माविया के कर्बा में से एक थे अब यहाँ पर एक सहाबी यानी जनाब हजरत जनाब ए, एक सहाबी यानी अबू मूसा अमर आस के लिए कह रहे हैं फमसल हु कमसल्ब इन तहमिल इसकी मिसाल ऐसे कुत्ते जैसी है कि सख्ती करो तो इसकी जबान लटकी रहेगी और मुंह खुला रहेगा और अगर छोड़ दो इसके हाल पर तो इसकी जबान बाहर निकली रहेगी ये जवाबन क्या कहते हैं तो सूरज उमह से नस्बत देते हैं कि तुम्हारी मिसाल उस गधे जैसी है कि जिसके ऊपर किताबें लाद दी जाएं ये डायलॉग हैं दो असहाब के दरमियान अब यहाँ पर काजी शराय ने क्या किया कि काजी शराय ने अमर आस को एक सहाबी को मारा कोड़ा और बाद में वो कहते हैं कि मैं हमेशा शर्मिंदा हूँ शराय कहते हैं कि मुझे अम्र आस को अब ये शराय भी एक जाहिर के बाद में एक गुमराह शख्स हो गया था शुरा रजी अल्लाह इसमें लिखा है तो वो हम कह रहे हैं कहते हैं कि मुझे अम्र आस को कोड़ा मारने पर इतनी नदामत है कि आज तक मैं किसी बात पर इतना नादिम ना हुआ था और निदामत यह है क्योंकि निदामत यह है क्यों ना मैंने इसको तलवार से मारा यानी वो कहते हैं कि उस दिन मैं इसे कत्ल कर देता तो बेहतर था मुझे अफसोस कि बस मैंने एक जो है वो हाथ ही एक कोड़ा जो है मार दिया अबू मूसा का एतराफ़ अबू मूसा फ़रमाते हैं कि मुझे अब अब्बास ने एक फासिख की धोखा दही से खबरदार किया था इबन अब्बास ने एक फासिख कौन फासक यानी अमर आस के जिसको अब अल्लाह कहा जा रहा है अब आपके सामने तारीख तिबरी है और तारीख तिबरी के में यह वाजे लिखा हुआ वा है कि अबू मोसा ने कहा और ये सारी चीजें आपके सामने हैं और जो असल मौजूद आखिर में रह गया है कि हजरत अली के बारे में यह है कि हजरत अली का कायदा था कि जब नमाजे सुबह पढ़ते थे तो इस में क़नूत पढ़ते और फरमाते अल्लाह माविया अम्र आस अबुलबर सलमी हबीब बिन मुसलिमा अब्दुलरहमान बिन खालिद जुहाक बिन कैस वलीद बिन उकबा पर लानत नाजिल फरमा अब यहाँ पर माविया को बचाने वाली बात की है कि जब माविया को ये खबर पहुँची तो उन्होंने भी कनू शुरू कर दी और ख़नूत में अली इबन अब्बास अशतर हसन और हुसैन पर लानत भेजी वाक़दी का कौल के हकमैन का इज्तम थर्टी एट में हुआ अब ये कौन है अमर बिन आस सहाबी अबुल आरा अबुल अबर सलमी ये भी माविया का तरफदार हबीब बिन मुस्लिम ये भी सहाबी मुस्लिम ये भी सहाबी अब्दुलरहमान बिन खालिद ये खालिद बिन वलीद के सगार असाब में से सगार सहबा में से जुहाक बिन कैस ये भी सगार साहबा में से वलीद बिन उबा ये वो शख्स है कि जिसके लिए इंजाकुम फ़ासकुन बिन नब इन नाजिल हुई कि कुरान मजीद में इसको फासिक कहा गया बाद में इसने शराब पीकर कर नमाज़ पढ़ाई जनाब ऊस्मान का ये भाई था उनकी वालदा की जानब से और इसी फासिक़ को उन्होंने कोफे का गवर्नर बनाया हुआ था सुबह की नमाज इसने चार पढ़ाई बाद जगह छः का है जब लोगों ने कहा ये आपने क्या किया तो कहने लगे कम पढ़ाई है कुछ और भी पढ़ा दूँ वजह क्या थी कि मौसूफ नशे में थे अब जो हमने तवज्जो दिलाई कि इनको पता था कि मौला अमीर उलमोमिन हक में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मार्किन का के बारे में लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने फौज नहीं भेजी जंग जमल वालों के खिलाफ और आलम यह है कि ये बााहिर ऐसा ड्रामा पेश कर रहे हैं कि मैंने धोखा खा लिया अमरे आज से जबकि ज़ाहिरन ये एक मिली हुई प्लानिंग लगती है क्योंकि अगर इन्होंने भी माविया को हटाना होता तो बाद में ये वहाँ पर पहुँच के ऐसा क़ुरब हासिल न करते एक दफ़ा अब मूसा से बरनस यानी टोपी पहने हुए माविया के पास आए और कहा सलाम और अल्कमीन अल्लाह अब आप तसवुर करें कि जो चौथे खलीफा से जंग कर रहा है उसको कहा जा रहा है असल्लाम का या अमीन लाला अब आपके सामने तारीख़ तिबरी है और उसके सामने ये मौजूद है कदम अब अबू मूसाविया वदखला भी और उसके बाद कहा सलाम उल के अमीन अल्लाह अब आपके सामने सही बुखारी है और सही बुखारी में याद रखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत है और यह है जल्द नंबर चार और सफ़ा नंबर है टू थर्टी फोर और हदीस नंबर है फोर ज़ीरो सिक्स नाइन और मौजू यह है रसूल सल्ला वसलम को फरमाते सुना कि आप जब नमाज़ फजर की आखिरी रकत में रुकू से सर उठाते थे तो यूं बदुआ करते थे ए अल्लाह फ़लान 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 पर लानत फरमा तो याद रखें कि अगर मौला आमिरम्न भी बाज़ मुनाफ़िकीन पर लानत भेजते थे तो ये सुन्नत रसूल अल्लाह सल वसलम थी अब आपके सामने है अल औसत और उसका तर्ज उसका सफ़ा नंबर है टू फोर फोर और यहाँ पर भी यही मौजू है

के मौल अमर उमिन ख़नूत में फ़रमाते थे वालफ़ी ख़नूत ही का बेमाविया बशिया व आमर बिन आश व अशिया व अबा सलमा वशायाही वब्दुल्लाबन कैस यानी अबा अबू मसा अशरी की जो कन्नीत है व अबू मसा है और नाम जो है वह अब्दुल्ला बिन कैस है और यहाँ पर लानत का ज़िक्र नहीं यानी है यानी अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं कि तेरे कि तू इन के इनके साथ जो है वो इन पर अज़ार नाजिल करे सख्ती फरमा यही अन रिवायत है कंजोमाल की जल्द नंबर आठ में और सफ़ा नंबर एट्टी टू में और हदीस नंबर है टू वन नाइन एट नाइन अली का बिमाविया व व आमर बिन आस व अबी आवर सलमी व एशियाए अब्दुल्ला अबनक़ैस यानी अब मूसाशरी वशियाए व कंजुल उम्माल अब आपके सामने उर्दू में है और इसकी जल नंबर चार है और सफ़ा नंबर है फ़ोर ट्वेंटी वन और हदीस नंबर है टू वन नाइन एट नाइन अब्दरमान बिन माकल कहते हैं कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हों को के साथ सुबह की नमाज पढ़ी और जब कुनूत पढ़ी तो इसमें कहा या अल्लाह माविया और इसके हवाखारों को पकड़ ले अमर बिन आस और इसके साथियों को पकड़ ले अबू सलमा। अब आप देखें रज़ी अल्लाह यहाँ भी लगा दिया और इसके मिसल को पकड़ ले अब्दुल्ला बिन कैस और इसके हम ख्यालों को पकड़ ले जबकि एक ही का तर्जुमे अलग अलग कर दिए यानी इनके साथ तो इन एक सख्ती कर तो ये हमारी गुफ्तु थी और यहाँ से पता चला कि अकबा वालों में से एक इन हवालों के हिसाब से अबू मूसा अशरी भी थे अब दूसरों को इसके दिफा का पूरा हक है लेकिन कोई यह ना कहे कि हमने अपने पास से कह दिया खुदा वंदारक वाली से दुआ है कि हम सबको तमाम मुसलमानों को डायलॉग की तोफ़ी कता फरमाए ये वाली कैफियत ना हो कि जब ज़रूरत पड़ी जनाब हजरत मालिक अबन नवैरा को काफिर कह दिया और एक जस्टिफिकेशन दे दी और जब जरूरत पड़ी तो खातम अल साहब जनाब हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला को कह दिया कि ये शिया है गाली है राफजी है और अगर ये आज होते तो कत्ल भी कर दिए जाते खुदा व तबारक वाली से दुआ है